खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं ऋचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी बजट में बढ़ी महंगाई की। बजट में नीतीश कुमार और नायडू को मिली बड़ी सौगात की और बजट में विपक्षियों के किए गए तीखे वार की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट हुआ पेश, किसानों को तोहफा, युवाओं के लिए रोजगार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 23 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी एनडीए सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि वे निर्माण क्षेत्र में MSME के लिए लोन गारंटी योजना लाई जाएगी, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। दोबारा नहीं होगी नीट UG परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। CJI की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था। कमला हैरिस ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी में जुटाया बहुमत, बोली ट्रंप को जरूर हराऊंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का नामांकन जीतने के लिए पर्याप्त डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल कर लिया है। कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए 1976 डेलीगेट से अधिक का समर्थन मिल चुका है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 26 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर राहत नहीं मिली है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बजट में हुए ऐलान के बाद बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स 73 अंक फिसला, निफ्टी 24,500 के नीचे। शेयर बाजार के दोनों सूचकांक आज के कारोबारी दिन लाल निशान पर बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 73 अंक गिरकर 80,429 स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 30 अंक गिरने के बाद 24,479 के स्तर पर बंद हुआ। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो से रूबरू करा देते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है। यहाँ फैजाबाद रोड के कमता तिराहे पर पानी की बोतल लेने के लिए रुके एक कैब ड्राइवर की पुलिसकर्मी ने डंडे से पिटाई कर दी, जबकि कैब ड्राइवर बार बार कहता रहा कि वो तो बस पानी की बोतल लेने के लिए रुका था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। हालांकि अभी तक यातायात पुलिस विभाग की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये कोई पहला वीडियो नहीं है जब कोई पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का यूं गलत इस्तेमाल कर रहा हो। इसके पहले भी कई बार ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां एक वर्दीधारी किसी गरीब या बेसहाय पर अपनी ताकत दिखाते नजर आता है। फिलहाल खबरें अब तक में हम बात करेंगे अपनी पहली खबर के बारे में। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला आम बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका ये लगातार 7वां बजट है। बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें किसी को राहत तो किसी को जेब पर असर पड़ने वाला है, खासकर आम आदमी को। बजट का बेसब्री से इंतजार था, उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे बढ़ती महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और सरकार आम आदमी के लिए कुछ खास लेकर आएगी, लेकिन आम आदमी को इस बजट से कुछ खास फायदा नहीं मिला।
हाँ, लेकिन सरकार ने कुछ चीजों के दामों में कटौती जरूर की है, तो कुछ के दामों में बढ़ोतरी। तो आइए जानते हैं आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उसे राहत दी है। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। बता दें, सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया है, तो साथ ही मोबाइल फोन्स को लेकर भी एक बड़ी राहत दी गई है। भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, इसलिए भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी में कटौती का ऐलान किया है। ये कटौती मोबाइल फोन्स और कई दूसरे पार्ट पर भी की गई है। इसका इंडस्ट्री पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे फोन्स की कीमत भी कम हो सकती है। वहीं इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई है। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं, इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। सीधे शब्दों में अगर आपको बताएं तो जो चीजें सस्ती हुई हैं उनमें सोना चांदी, इम्पोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी, कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन पेट्रोकेमिकल, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, इन सभी चीजों के दामों में कटौती हुई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले इन प्रोडक्ट्स पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी थी, लेकिन अब 15% लगेगी। सरकार ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। इसका मतलब है कि प्लास्टिक से बनी चीजों के दाम भी बजट के बाद बढ़ सकते हैं। सोलर सेल या फिर सोलर मॉड्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास पर भी टैक्स बढ़ा है। इसका मतलब है कि सोलर सिस्टम लगवाना अब थोड़ा महंगा हो सकता है। जाहिर है अंतरिम बजट में सरकार ने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्य दाता पर फोकस किया था। साथ ही कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी तेजी से बढ़ी थी, जिसने आम आदमी के जेब पर खासा असर डाला था। इसलिए जनता को उम्मीद थी कि ये बजट उनके लिए नई सौगात लेकर आएगा और बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। खैर, अब इस बजट पर आम जनता की क्या राय आती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मोदी 3.0 के कार्यकाल का आज पहला आम बजट पेश किया गया, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में गठबंधन की सरकार की झलक देखने को मिली। वहीं सरकार के इस बजट से सहयोगी दल काफी खुश नजर आए, खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। जी हां, वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार में कई परियोजनाओं के लिए करीब 59,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है। वहीं सैलरीड क्लास की बात की जाए तो सरकार ने नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। इस तरह बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बम्पर बेनिफिट मिला है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये राजनीतिक मजबूरी है या तवज्जो, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो, यही अब कैंपेन चलेगा। मोदी सरकार ने भले ही विशेष राज्य की मांग से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। बिहार के लिए कई अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, तो आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान किया। इस तरह बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बम्पर बेनिफिट मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के तहत बिहार में गया को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। गया का ये केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेगा। ये मॉडल बहुत ही अच्छा होगा। इस मॉडल में विकास भी दिखेगा और विरासत की झलक भी होगी।
इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इसे पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। We will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Baksar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga Spurs, and 4. Additional two-lane bridge over River Ganga at Baksar at a total cost of 26,000 crore rupees. वहीं बिहार की तरह आंध्र प्रदेश के लिए भी मोदी सरकार ने सरकारी खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के लिए बजट में ऐलान करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश के पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा किया जाएगा, साथ ही विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। जाहिर है मोदी सरकार ने भले ही आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा ना दिया हो, लेकिन दोनों ही राज्यों के विकास के लिए सरकारी खजाना खोलकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साध कर रखने की कोशिश की है। क्योंकि इस बार बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे एनडीए की सरकार बनी है, इसलिए एनडीए में इन दोनों दलों की अहम भूमिका है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए जेडीयू और टीडीपी को अपने साथ बनाए रखना जरूरी है। वहीं मोदी सरकार और बीजेपी के लिए पहली बड़ी परीक्षा बजट था। दोनों नेताओं को बजट से खास उम्मीद थी। ऐसे में मोदी सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरे उतरते हुए सरकारी खजाना खोल दिया है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया। ये उनका लगातार सातवां बजट रहा। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी नीत सरकार में एक बार फिर विश्वास दिखाया और तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से उन्हें चुना। सीतारमण ने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है, ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने एक बार फिर अपनी बढ़ाई कर दी है और ये बताने की कोशिश की है कि सरकार प्रत्येक वर्ग के लिए काम कर रही है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मोदी सरकार के आम बजट पर विपक्ष अपने बाड़ों के साथ कूद पड़ा है। किसी ने कहा कि सरकार के दावों की पोल खुल गई, तो किसी ने कहा सरकार ने जनता को झुंझुना थमा दिया। तो चलिए, सरकार के बजट पर विपक्ष ने कैसे दागे सियासी बम, हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सांसद राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, राज्य में हत्या और चोरी हो रही है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और किसानों की समस्या अभी भी बरकरार है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपए आवंटित करना बिहार को झुंझुना देने के समान है। वहीं केंद्रीय बजट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी बढ़ा दी है। इसके अलावा केंद्रीय बजट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा, अगर मुख्य बातें सामने आ गई तो सरकार की पोल खुल जाएगी। सरकार गलत है और दिखावा कर रही है। इस बजट में कुछ भी नहीं है और ये केवल गुमराह करने वाला है। बात मध्य प्रदेश की करें तो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मोदी सरकार का पुराना इतिहास बताता है
कि ये 2 करोड़ रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई थी। 4 करोड़ रोजगार यानी दोगुना झूठ, डबल इंजन की नरेंद्र मोदी की सरकार यानी डबल झूठ। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, पिछले 10 वर्षों से कोई उम्मीद नहीं, हम सिर्फ नारे सुनते रहे, आज भी जुमले ही होंगे। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, ना तो उन्हें सरकार चलानी आती है और ना ही उन्हें लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब है। वे बोलते बहुत कुछ है लेकिन किसानों के लिए उन्होंने किया क्या? किसानों के लिए 3 कानून लाए गए जिसे वापस लेना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बजट को जबरदस्त बजट बताया। उन्होंने कहा, मैंने आम आदमी के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं सुना। मनरेगा का कोई जिक्र नहीं किया गया। आम व्यक्ति की आय में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का अपर्याप्त उल्लेख किया गया है। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं सपा सांसद टिब्बल यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, बजट में कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। वहीं राहुल गांधी की भी इस बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस बजट को कुर्सी बचाओ करार दिया है। देखा जाए तो विपक्ष हर बार की तरह इस बार के बजट को भी कूड़ा बता रहा है। हालांकि भाजपा की सहयोगी पार्टियां इस बजट से खुश नजर आ रही हैं। हालांकि अभी कई और बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार है क्योंकि उनकी प्रतिक्रिया इस बजट को नई दिशा और मोड़ दे सकती है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोबरा कांड में यूट्यूबर एल्विश यादव से मंगलवार को यानी आज ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की। एल्विश मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए लखनऊ में ईडी के सामने पेश हुए। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य भाजपा के सहयोगियों और क्रोनीज को खुश करना है। इसरो ने मंगलवार को एयर ब्रीथिंग प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हुए दूसरी प्रायोगिक उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई। लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में पेश किया। उनकी ओर से पेश किया गया ये बजट एक मौलिक सोच एवं दृष्टि से दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकते सितारे के रूप में स्थापित करने एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए आगे की राह दिखाने वाला है। संभावना है कि इस बजट में समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, नौकरी पेशा को थोड़ी राहत मिलेगी। बजट में जहां बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है तो वहीं महंगाई को नियंत्रित करने की मंशा साफ दिखाई दी है। विकास, स्टार्टअप और रोजगार सृजन के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बजट देश को न केवल विकसित देशों में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में जरूर सहायक बनेगा। सातवीं बार बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में 5 वार्षिक बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अपने ढांचे में ये पूरे देश का बजट है, एक आदर्श बजट है। इसका ज्यादा जोर सामाजिक विकास पर है। अक्सर बजट में राजनीति, वोट नीति तथा अपनी व अपनी सरकार की छवि वृद्धि करने के प्रयास ही अधिक दिखाई देते हैं। लेकिन बावजूद ये बजट राजनीतिक प्रेरित नहीं है, देश प्रेरित है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं।